हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स डाला हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको एमए इंग्लिश लिटरेचर के मेरे पास कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आपको चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने देखा उसको और कमेंट किया, तो चलिए उसी को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सिंगल पेपर आपको एक वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और किस टाइप से हमको फियर जो है आपका वो दूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और नोट करना हो तो नोट कर लें वीडियो को, और अदरवाइज आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट पेपर, आप देख ही सकते हैं, पोएट्री का है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, एम ए एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2021, यानी पिछले ईयर्स का है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम 85 मार्क्स का होता है रेगुलर के लिए, और प्राइवेट लोगों के लिए 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। टू पोर्शंस होते हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हैं और इक्वल मार्क्स हैं सभी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला यूनिट फर्स्ट से। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन एनी ऑफ द टू फॉलोइंग, यानी ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये पैसेज हैं, दो पैसेज हैं। फॉलन चर्ब टू बी वीक इज माइजरेबल, यानी एक जो है आपके बुक से है पैसेज, तो दो दिए गए हैं जिसमें से हमको एक हल करना है। और सॉरी, एनी ऑफ द टू फॉलोइंग, यानी कि फोर दिए गए हैं फ्रेंड्स, और जिसको में से हमको टू सॉल्व करना है। तो ए बी सी और डी ये हैं, तो इसमें से हमको टू हल करने हैं। ये मैंने आपके इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, एनोटेशंस भी बोलते हैं इनको, उनको कैसे सॉल्व करना है, पैसेज भी बोलते हैं इनको, तो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद ये यूनिट सेकंड पे आते हैं। गिव अ डिटेल्स अकाउंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सेटन इन पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, यानी जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। अदरवाइज एलेबोरेट द सुपरनेचुरल एस्पेक्ट ऑफ वाल्मीकि सुंदरकांड, यानी वाल्मीकि ने जो सुंदरकांड किया था उसकी सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये सेकंड क्वेश्चन यूनिट सेकंड से है। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन यूनिट थर्ड से, राइट एन एसे एंड द इसे इक्लेसियटिकल कैरेक्टर्स इन प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल्स, यानी कैंटरबरी टेल्स बाई चौसर्स के द्वारा है, तो उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। अदरवाइज डिस्कस कॉलरेज ऑफ सुपर नेचुरल पोएट रोमांटिक एज, यानी रोमांटिक एज की जो सुपर नेचुरल पोएट थे कॉलरेज, इसके बारे में बताना है, डिस्कस करना है आपको अपने हिसाब से। यूनिट फोर्थ में है, क्रिटिकली एक्सेस द ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उसके बारे में बताना है। यूनिट फोर्थ में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। यूनिट फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्रिटिकली इवेल्यूएट द पोएम एंड एसे ऑन द मैन बाय अलेक्जेंडर पोप। अदरवाइज सेकंड है इसका, डिस्कस द थीमेटिक एस्पेक्ट ऑफ ड्राइडन्स एब्सलोम एंड एकिटोफेल, यानी इस टाइप से है ये। तो फ्रेंड्स, फाइव क्वेश्चंस ये हैं और बाकी का ये है फर्स्ट क्वेश्चंस। तो ये इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट पेपर है पोएट्री का। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी आइडिया लगेगा किस टाइप से आते हैं और किस टाइप से हमको लिखना है। और आपको किसी और टाइप की हेल्प चाहिए हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी आपको बेनिफिट हुआ हो इससे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।